Hello dear students, how are you all? I hope that you all are fit and fine. Dear kids, in previous video I had explained you lesson number 6, cannot survive without food and its objective portion. And today I am going to explain you its question answers. So are you ready kids? Let's see. Our first question is, why was Dadi not able to climb the stairs quickly? Jo Dadi thi na, wo jaldi se seedhiya kyun nahi chadh sakti thi? Since Dadi was aged, she was weak, so she was not able to climb the stairs quickly. अभी दादी थोड़ी aged थी ना और वो थोड़ी weak भी हो गई थी, इसीलिए वो जल्दी से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती थी. Let's see the next question. How does Dadi like to have her dal? दादी को दाल कैसे खाना पसंद था? Yes, आपको पता है ना, दादी likes her dal to be a little sweet. दादी को दाल थोड़ी मीठी खाना पसंद था. Let's see the next question. What kind of dal do you like? आपको किस तरह की दाल पसंद है? I like dal which is little sweet. Apart from this, I like the dal that is prepared during the marriage function. थोड़ी सी स्वीट दाल हो वैसी भी मुझे पसंद है, और जो मैरिज फंक्शन में जो दाल होती है ना वो भी मुझे अच्छी लगती है. Now let's see our next question is, write the names of grains. हमें grains के names लिखने हैं, तो आपको पता है ना grains कौन से है? Wheat, rice, millet, maize, etc. Now let's see the next question. Write the names of pulses. हमें pulses के names लिखने हैं, तो तुअर, मूंग, उड़द, ग्राम, वाल, पीस, etc. आर पल्सीज. नाउ लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच फूड आइटम्स डू वी यूजुअली ईट. हम कौन से फूड आइटम्स ऐसे यूजुअली खाते हैं? लेट्स सी द आंसर. द फूड आइटम्स विच वी यूजुअली ईट आर रोटी, भाकरी, रोटला, राइस, दाल, पल्सीज, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये हम यूजुअली खाते हैं. नाउ लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ आर न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन फ्रॉम फूड यूजफुल टू अस. फूड में से जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ना वो हमारे लिए किस तरह से यूजफुल है? तो न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन फ्रॉम फूड आर यूजफुल टू अस बिकॉज दे गिव अस हीट एंड एनर्जी. वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए वो यूजफुल है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट टाइप ऑफ फूड शुड वी नॉट ईट. हमें कौन से टाइप का खाना नहीं खाना चाहिए? वी शुड नॉट ईट ओपन, स्टेल एंड मार्केटेड फूड. जो ओपन फूड होता है, फिर जो स्टेल बासी होता है ना, ऐसा खाना हमें नहीं खाना चाहिए. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेट मुन्नीज डाइट. मुन्नी क्या खाती थी? मुन्नीज डाइट इज हर मदर्स मिल्क. वो सिर्फ उसकी मम्मी का ही मिल्क पीती थी, क्योंकि वो अभी सिर्फ 4 मंथ्स की छोटी बच्ची थी ना, इसीलिए तो उसके मदर के मिल्क में से ही उसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते थे. Now kids, let's see. Answer the following questions in brief. Our first question is, how do you know that you are hungry? आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लगी है? मैंने आपको बताया था ना चैप्टर में, I know that I am hungry when my stomach feels empty. जब हमारा स्टमक ऐसे खाली खाली फील करता है. I do not feel like doing anything. और कोई काम करना हमें अच्छा नहीं लगता है. I feel weak and want to eat something. हम ऐसा weak महसूस करते हैं और ऐसा कुछ खाने का मन करता है. Due to all these, I realize that I am hungry. और ये सारी चीज़ों से हमें पता चलता है कि अभी मुझे भूख लगी है. तो आपको भी ऐसा होता है ना, आपके पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं ना kids? Now let's see our next question is, has it ever happened to you that on some day you were very hungry but there was nothing to eat? If yes, why? Kids, ऐसा कभी कुछ हुआ है आपके घर में कि आपको बहुत कुछ खाने का मन कर रहा हो लेकिन घर में कोई फूड अवेलेबल ना हो? Yes, ऐसा होता रहता है ना kids, ऐसा सभी के घर में होता है कभी कभार. जैसे कभी आपकी मम्मी बीमार हो या आपकी मम्मी कहीं पर बाहर गई हो तो घर में कोई फूड अवेलेबल नहीं होता है. Once, when my mother was down with malaria, nothing was cooked in our house for 3 days. 3 दिन तक मेरे घर में कोई खाना बना ही नहीं था जब मेरी मम्मी बीमार थी तब. As a result, we had to arrange for outside food. तो हमने बाहर का खाना खाया था. Now let's see our next question is, there is one child in whose house no food was cooked. What could be the reason? Kids, आपको मैंने जब chapter explain किया तब बताया था ना, एक लड़की थी जिसके घर पे कोई खाना बना ही नहीं था. तो ऐसा क्या हुआ होगा कि उसके घर पे कुछ खाना बना ही नहीं होगा? There can be many reasons, right? बहुत सारे reason हो सकते हैं.
जैसे कि द चाइल्ड्स पेरेंट्स माइट बी सो पुअर दैट कैन नॉट इवन गेट इनफ फॉर टू मील्स अ डे, शायद वो बहुत ही पुअर होंगे इसलिए वो दो टाइम का खाना भी नहीं खा सकते होंगे. द चाइल्ड्स मदर मे बी अनवेल, शायद उसकी मम्मी बीमार होगी. एंड द फादर मे बी हैव गोन फॉर वर्क, शायद उसके पापा काम पे गए होंगे. तो ये रीज़न हो सकता है कि उसके घर में खाना नहीं बना होगा. Now kids, let's see our next question is, for 4 months, Munni will have only her mother's milk. That is her only food. Why? Munni 4 months से सिर्फ उसकी मम्मी का ही दूध पी रही है. तो kids, आपको पता है ऐसा क्यों? Newborn infants do not have teeth. जो newborn baby होते हैं ना, उनके teeth नहीं होते हैं. So they drink only their mother's milk. तो इसीलिए वो सिर्फ उनकी मम्मी का ही milk पीते हैं. For them, their mother's milk is a complete diet. और उनके लिए सिर्फ उनकी मम्मी का ही milk complete diet होता है, जिसके अंदर से उनको सारे ही nutrients मिल जाते हैं. Now our next question is, why should we eat food? हमें खाना क्यों खाना चाहिए? Let's see the answer. We should eat for the following reasons. To get sufficient energy to perform all the functions of body. Body के सारे functions अच्छे से काम करे तो हमें energy की ज़रूरत तो पड़ेगी ना. तो इसीलिए हमें खाना खाना चाहिए. To allow proper growth and development of the body. Body का अच्छे से development हो, उसका growth हो, उसके लिए भी हमें food खाना चाहिए. To protect the body against disease and to stay healthy. हेल्दी रहने के लिए और डिजीज से बचने के लिए भी हमें खाना चाहिए. टू एंश्योर दैट द बॉडी फील्स फ्रेश एंड एनर्जेटिक. हमारी बॉडी फ्रेश फील करे, एनर्जेटिक फील करे, इसीलिए किड्स हमें अच्छा हेल्दी फूड खाना चाहिए. नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच न्यूट्रिएंट्स डू ग्रेन्स, पल्सेस, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स प्रोवाइड टू अवर बॉडी? किड्स, हम जो ग्रेन्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, पल्सेस, फ्रूट्स खाते हैं तो उससे हमें कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं आपको पता है किड्स? लेट मी टेल यू, ग्रेन्स गिव हीट एंड एनर्जी टू आर बॉडी. ग्रेन्स में से हमें हीट और एनर्जी मिलती है. पल्सेस आर यूजफुल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. पल्सेस में से अपनी बॉडी का ग्रोथ होता है और डेवलपमेंट होता है. ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हेल्प द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज. और जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं तो उसके अंदर से हमें जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उससे हमारी बॉडी डिजीज के सामने फाइट कर सकती है. इसीलिए किड्स, हो सके उतने ज़्यादा हमें अच्छे ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने चाहिए. नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट शुड वी डू सो दैट अवर बॉडी गेट्स ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स इन सफिशिएंट अमाउंट? किड्स, हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हमें जितने भी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो सफिशिएंट अमाउंट में अपनी बॉडी को मिले? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? टू एंश्योर दैट अवर बॉडी गेट्स ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स इन सफिशिएंट अमाउंट्स अलोंग विद मिल्क, वी शुड इंक्लूड डिफरेंट ग्रेन्स लाइक वीट, राइस, मिलेट एटसेट्रा. Various pulses like tuar, moong, gram, white gram, etc. and vegetables and fruits according to the season in our diet. हमें क्या करना है? अपने डाइट में सारे ग्रेन्स खाने चाहिए जैसे कि wheat, rice, millet, etc. फिर सारे pulses भी खाने चाहिए जैसे कि tuar, moong, gram, ठीक है. And vegetables and fruits तो हमें खाने ही चाहिए. सीजन के अकॉर्डिंग जितने भी वेजिटेबल्स आते हैं, जितने भी फ्रूट्स आते हैं वो हमें खाने चाहिए जिससे कि हमें सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो सफिशिएंट अमाउंट में मिलेंगे. Now kids, our next question is, what happens if we take the same type of food every day? क्या होगा अगर रोज हम एक ही टाइप का फूड खाते ही रहेंगे तो? Yes kids, आप सभी को पता है, if we take the same type of food every day, we do not get all the nutrients that our body needs. अपनी बॉडी को जो nutrients की जरूरत है वो हमें नहीं मिलेंगे. As a result, the body suffers due to deficiency of these things and get affected by some disease. और क्या होगा? हमारी बॉडी में बहुत सारे हमें डिसीज होंगे, हम बीमार हो जाएंगे. Moreover, if we eat the same type of food every day, we will not feel like eating it. और रोज हम एक ही तरह का फूड खाएंगे तो हमें क्या लगेगा? जैसे हमने कोई खाना खाया ही नहीं है ऐसा होगा. हमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे. तो किड्स, हमें रोज़ अलग अलग टाइप के फूड खाने चाहिए जिससे कि हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सके. नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेट द बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग फूड. हम खाना खाते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या है?
यस, उसके तो बहुत सारे बेनिफिट है। द बॉडी गेट्स इनफ एनर्जी टू वर्क। हम काम करेंगे तो उसके लिए हमें एनर्जी तो चाहिए ना, तो वो एनर्जी हमें किस में से मिलेगी? फूड में से मिलेगी। द बॉडी ग्रोज एंड डेवलप्स वेल। हमारी बॉडी का अच्छे से ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा। द बॉडी इज प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज। हमारी बॉडी डिजीज से बच पाएगी, हम बीमार भी नहीं पड़ेंगे जल्दी। हेल्थ ऑफ द बॉडी इज टेकन केयर ऑफ। हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। तो किड्स, ये सारे होते हैं बेनिफिट्स। तो रोज हम अच्छा फूड खाएंगे और हेल्दी फूड खाएंगे। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच। कौन सी मेथड से हम कुकिंग करते हैं वो हमें लिखने हैं, और सामने उसके हमें एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं। लेट्स सी, डिफरेंट मैथड्स ऑफ कुकिंग फूड आर रोस्टिंग, डीप फ्राइंग, बॉइलिंग, स्टीमिंग, शैलो फ्राइंग। ये सारी मैथड्स होती है ना, आपने आपकी मम्मी को कुकिंग करते हुए देखा है ना, वो डिफरेंट मैथड से सारा खाना बनाती है। जैसे कि रोस्टिंग, तो रोस्टिंग से क्या क्या बनता है? रोटी, भाखरी, रोटला, ये सारा रोस्टिंग से बनता है। फिर सेकेंड है फ्राइंग, तो फ्राइंग में क्या क्या बनता है? पूरी, भजिया, समोसा, ये हम फ्राई करके बनाते हैं ना। नाउ थर्ड है बॉइलिंग एंड स्टीमिंग, तो खमन, खिचड़ी, राइस, ये सारा कौन से मेथड से बनता है? बॉइलिंग और स्टीमिंग की मेथड से बनता है। फिर है शैलो फ्राइंग, तो पराठा, थेपला, ये हम शैलो फ्राई करके बनाते हैं, मतलब थोड़ा ऑयल लेकर हम उसको शैलो फ्राई करते हैं, उसमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि पूरी में और भजिया फ्राई करने में ज़्यादा ऑयल लगता है ना, लेकिन पराठा और थेपला उसमें हमें कम ऑयल की ज़रूरत पड़ती है, जिसे शैलो फ्राई कहते हैं। नाउ किड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर कुछ हैबिट्स लिखी हुई है, गुड हैबिट्स भी और बैड हैबिट्स भी। तो कौन सी गुड हैबिट्स में आती है और कौन सी बैड हैबिट्स में आती है, तो इस तरह से हमें क्लासिफिकेशन करना है। तो गुड हैबिट्स में कौन सी आती है? जैसे च्यूइंग प्रॉपरली, हमें अच्छे से चबाना चाहिए। फिर ईटिंग वेरियस दाल्स ड्यूरिंग द वीक, हमें एक वीक में अलग अलग तरह की दाल्स खानी चाहिए। फिर ब्रशिंग टीथ आफ्टर मील्स, हर रोज़ खाना खाने के बाद हमें ब्रश करना चाहिए। फिर इंक्लूडिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन एवरीडे डाइट, हमारा जो रोज़ का डाइट है ना, उसमें हमें तरह तरह के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी इंक्लूड करने चाहिए। फिर वॉशिंग हैंड्स वेल बिफोर मील्स, खाना खाने से पहले हमें अच्छे से हमारे हाथ धोने चाहिए, फिर ही हमें खाना खाना चाहिए। फिर बैड हैबिट्स कौन कौन सी होती है किड्स? ईटिंग स्टेल फूड, बासी खाना, वो एक बैड हैबिट है। ईटिंग ओनली वॉट वन लाइक्स, घर में जो एक को पसंद है बस वही रोज़ खाते रहना है। ईटिंग ओनली पोटेटोज एवरी डे, हर रोज़ पोटेटो ही खाना है, तो ये बैड हैबिट्स होती है। रोज़ हमें तरह तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए। ईटिंग फ्राइड फूड एवरी डे, रोज़ फ्राई किया हुआ खाना, मतलब ओ माई गॉड, उसमें कितने ज़्यादा कैलोरीज होंगी, तो हमें इतना फ्राई फूड रोज़ नहीं खाना चाहिए। ईटिंग इन अ हरी, जल्दी जल्दी से पूरा खाना खाना, बिल्कुल चबाना भी नहीं, तो ये सारी क्या होती है? बैड हैबिट्स होती है। तो किड्स, यहाँ पर मैंने आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। आपको आपके पीडीएफ में से ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपकी वर्कबुक में आपको लिखने हैं। आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।